हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम बैक ऑन मी यूट चैनल लर्न विद बाय बा विश्वकर्मा हाउ आर यू नाउ इट्स मी इट इज दिस इज योर लास्ट स्किल है ना जो अभी तक हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखे हैं तो हम लोगों ने चारों माइक्रो टीचिंग स्किल के चारों स्किल को देखा है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन प्लान अचीविंग क्लोजर ये आज का लास्ट है तो स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर इज द लास्ट लेसन प्लान ऑफ द माइक्रो टीचिंग स्किल इसको पहला पेज देखिए आप कैसे बनाएंगे स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर इज अ पार्ट योजना पांच वही नेम क्लास रोल नंबर डेट जो भी आपको एंट्रीज में फिलअप करना है यू कैन फिल दिस ठीक है तो ये फर्स्ट पेज है फर्स्ट पेज को आप देख लीजिए और आज का जो स्किल है वो लास्ट वाला है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर यानी कि पार्ट समापन कौशल हम किसी क्लास में जो पार्ट पढ़ा रहे हैं उसको हम कैसे खत्म करेंगे ये स्किल उसके बारे में इंडिकेट करता है तो फर्स्ट पेज देखिए आप फर्स्ट पेज आपका एज इट इज है देखिए तो पहला सबसे पहले टॉप पे आप डालेंगे स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर पार्ट योजना पांच कक्षा विषय प्रकरण छात्रा शिक्षिका का नाम समय और दिनांक ये सारी चीजें करेंगे कंपोनेंट्स हैं तो आप कंपोनेंट को देख लीजिए मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ ये कम्पोनेट है इनके अकॉर्डिंग आपको चीजों को एडजस्ट करना है पहला है कंसोलिडेशन ऑफ द मेजर पॉइंट्स नंबर टू है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द थर्ड वन है लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज और लास्ट वाला है लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द फ्यूचर लर्निंग यहाँ पे आप अपना विषय वस्तु लिखेंगे जो भी पार्ट आपने पढ़ाया हुआ है ठीक है इसके बाद अपना कॉलम बनाएंगे आप परम संख्या छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन छात्रा क्रियाशीलन और कंपोनेंट इसी कॉलम को आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज है आपका नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के बारे में देख लीजिए पहला स्टेटमेंट है छात्रा शिक्षिका चार्ट में लिखी मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालकर प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के बारे में बताएगी तो देखिए आपको पता है कि जो ये स्किल है बेसिकली हम इसको प्रीवियस वाले चैप्टर से कनेक्ट करते हैं तो आपने प्रीवियस वाले स्किल के लिए जो पार्ट यूज किया है जो भी टॉपिक यूज किया है आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रीफिंग प्वाइंट या पुनरावृत्ति करा कर इस चार्ट को इस वाले इस स्किल को कर सकते हैं तो पुनरावृत्ति आप चार्ट पेपर के माध्यम से भी करा सकते हैं और यहाँ पे लिख के भी करा सकते हैं और थर्ड वाले में देखिए इन्होंने कक्षा कार्य दिया हुआ है कक्षा कार्य में आप फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं वन वर्ड दे सकते हैं और आप ये बच्चे ने देखिए इसमें इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स भी दिया हुआ है तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी करके दे सकते हैं आप पांच क्वेश्चन दे सकते हैं कक्षा कार्य में कराने के लिए ठीक है और कक्षा कार्य के बाद आपको पता है आपको क्या देना है सुधार कार्य कक्षा कार्य कराने के बाद आप सुधार कार्य करवाएंगे इसके बाद सबसे लास्ट में आप होमवर्क देंगी तो ये पांचवा वाला पॉइंट आप देख सकते हैं ये आपकी क्या होमवर्क से रिलेटेड है या गृह कार्य से रिलेटेड है तो छात्रा शिक्षिका गृह कार्य देगी प्रश्न है ना तो ये जो उसका प्रश्न का फॉर्मेट है उन्होंने ये भी बना रखा है ऊर्जा का उपयोग की सारी चीजें एग्जाम्पल दे रखा है और देखिए जब भी आप होमवर्क देंगे तो आप होमवर्क बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ कनेक्टेड होना चाहिए यानी कि फर्दर फ्यूचर में इस क्वेश्चन का यूज बच्चे लोग कर सके और आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या नया दिया तो इनका क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है प्रश्न में अपने पड़ोस में किन्नी पांच परिवारों का चयन कीजिए और पता लगाइए कि उनका ऊर्जा उपयोग यानी कि कोयला गैस पेट्रोल मिट्टी का तेल पिछले पांच वर्षों में कितना बड़ा है या कम हुआ है और यह भी पता लगाइए कि ऊर्जा बचत हेतु उन्होंने क्या उपाय किए तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा यहाँ पे बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी गेन करेगा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्रिएटिव है क्वेश्चन जो है होमवर्क वाला वो क्रिएटिव होना चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके करे और थोड़ा सा एफर्ट करे ठीक है इसके बाद अपनी टिप्पणी करेंगे इस कॉलम को करने के बाद उसके बाद ग्रेड और शिक्षिका हस्ताक्षर तो यहाँ पे हमने ये प्लान कम्पलीट किया अब इस प्लान से रिलेटेड हम ई शीट देखेंगे तो हम अब नेक्स्ट नेक्स्ट शीट लेंगे और नेक्स्ट शीट में हेडिंग डालेंगे स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर मूल्यांकन पांच और वही सेम एंट्री कक्षा विषय प्रकरण छात्रा शिक्षिका का नाम ठीक है और छात्रा निरीक्षिका का नाम तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे और सेम कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे और वही कॉलम बनेंगे क्रम संख्या छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन छात्रा क्रियाशीलन और कंपोनेंट्स आप इन कंपोनेंट्स को यूज कीजिएगा और अपने कंपोनेंट्स को लिखिएगा और लास्ट में वही है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप जहाँ पर जो भी कंपोनेंट लगेगा आप दे सकते हैं यहाँ पर इन्होंने टोटल सिक्स क्वेश्चन दिए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी क्यों हुई हैं और ठीक है ठीके? और कौन सा कंपोनेंट उस स्टूडेंट टीचर के द्वारा यूज किया गया इसके बाद टिप्पणी टिप्पणी की जगह यहाँ पे आप सुझाव कर सकते हैं और सुझाव के बाद शिक्षिका का हस्ताक्षर कर सकते हैं तो दैट इज द स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर पाठ योजना पाँच ये आपका लास्ट माइक्रो टीचिंग स्किल का स्किल था और इसका मैंने प्लान आपको बता दिया अगर आप देख रहे हैं तो एक बार और रिकॉल करा दी ये फर्स्ट पेज है वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट पेज देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में ये है पेज नंबर टू बोल सकते हैं आप इसको फिर पेज नंबर थर्ड में इसी कंटेंट को कंटिन्यू किया हुआ है आपको कंटेंट यहाँ भी लिखना है देखिए कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा अचीविंग क्लोजर में भी जो भी आप पढ़ाएंगे ठीक है इसके बाद इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप फिर इन्होंने होमवर्क दिया है क्लास वर्क दिया है करेक्शन वर्क कराया सारी चीज़ें देख सकते हैं फिर हमने यहाँ पे ई वैल्युएशन शीट देखी है ठीक है ई वैल्युशन शीट में इन्होंने सारे स्किल को और कंपोनेंट को यूज़ किया है फिर लास्ट में सारे क्वेश्चन को वाइंड अप किया हुआ है फिर आप यहाँ पर टिप्पणी कीजिएगा सुझाव कर दीजिएगा और सुझाव के बाद शिक्षिका का हस्ताक्षर तो दैट विल बी द स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर विल बी कम्प्लीटेड नाउ और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है नीडफुल रहा है तो काइंडली डू सब्सक्राइब लाइक शेयर माई चैनल यूट्यूब लर्न विद कॉन्सेप्ट बाई अचना विश्वकर्मा नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विथ कॉन्सेप्ट